हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू बॉर्न बेबी शूज़, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बने हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर भी लग रहे हैं। ये फ्लावर हमने क्रोशिया से बनाए हैं, जिसका वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह के सॉक्स बनाने हैं, इस तरह के शूज़ बनाने हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। देखिए, ये सॉक्स अकेले यही नहीं बनाए, पूरा सेट इसका बना हुआ है। ये स्वेटर हमने बनाई है, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कैप हमने बनाई है, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो शूज़ बनाए हैं इसका भी, और जो फ्लावर बनाए हैं इसका भी, ठीक है। तो ये पूरा सेट हमने बनाया है। अगर आपको इस तरह के स्वेटर बनाने नहीं आते और आप बनाना चाहते हैं, तो ऑर्डर देने पर हम इस तरह के बेबी सेट भी बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरह के सेट बनाने हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये सॉक्स बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, एक शूज़ हमने बना लिया है, इसी तरह से दूसरा शूज़ भी बनाएंगे। 11 नंबर की निडल ले लेंगे और इसमें 46 फंदे ले लेंगे, ठीक है। फंदे कैसे लेंगे, दोनों ही निडल में सिंगल धागे से लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, एकदम सिंगल धागे में हमने फंदे लेने, ठीक है। इस तरह से डबल में ले लिए हमने फंदे, एक नीडल निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, चार लाइनें बनाएंगे उल्टी उल्टी, आठ रो, ठीक है। आठ रो हम उल्टी बनाएंगे, देखिए इस तरह से। दोनों साइड ही उल्टे फंदे लेंगे, इस साइड भी उस साइड भी, ठीक है। तो आठ लाइनें, आठ रो बना लेते हैं, चार लाइनें। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको आगे को क्या करना है। ये देखिए, पहली रो कंप्लीट कर लिया, दूसरी रो में भी हम ऐसे ही बनाएंगे उल्टा। ठीक है, इसी तरह से दूसरी रो, फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड में उल्टी रो आएगी। तो ये देखिए, इसमें चार रो हमने बना दिए, ठीक है। चार लाइनें बन गई हैं, आठ रो, एक दो तीन चार। तो ये सीधी साइड से है, लेकिन हम सॉक्स इस साइड से बनाएंगे, ये हमारा सीधा होगा, ये नहीं होगा। तो देखिए, दोनों साइड से हमारे लाइनें चार आ गई है, एक दो तीन चार, और इस साइड से भी चार आ गई। तो क्या करेंगे, जो हमारा सीधा साइड है उस साइड एक लाइन और ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से। तो ये देखिए, इस साइड हमारी चार लाइनें हैं, एक दो तीन चार, और सीधी साइड हमारे पांच लाइनें हो गई, एक दो तीन चार और ये पांच, ठीक है। तो अब उल्टी साइड से, ये उल्टी साइड जिसे मैं कह रही हूँ, अब ये हमारी सीधी साइड होगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सीधा फंदा लेंगे और एक उल्टा, ठीक है। धागा पीछे करेंगे, एक सीधा, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा। धागा पीछे करेंगे, एक सीधा, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा। इसी तरह से ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये एकदम सिंपल रो है, बराबर फंदे जैसे हैं वैसे ही लेने हैं हमको। तो ये रो पूरी कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक रो हमने एक उल्टा एक सीधा करके कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये देखिए, एक फंदा आपको उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इस तरह से पूरी रो कर। अब हम आएंगे दूसरी साइड में, यहाँ से हमको शुरू करना है। क्या, पहला फंदा तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, धागा आगे करेंगे, देखिए उल्टा फंदा है, उल्टे को उल्टे की तरह ही बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब सीधा फंदा हमको क्या करना है, देखिए ये जो फंदा है इसको नहीं लेना है, बल्कि इसके नीचे वाले लूप को इसमें से फंदा निकालना है, ठीक है। सीधा वाला फंदा ऐसे ही बनेगा, उल्टा वाला फंदा हमारा सिंपल बनेगा, उसी फंदे में बनेगा। धागा पीछे करेंगे, सीधा वाला फंदा आपको दिख रहा है ये, इसमें ना ले करके इसके नीचे वाले होल से फंदा ले लेंगे, ठीक है। धागा आगे करेंगे,
उल्टा फंदा हमने सिंपल तरीके से बनाना है। धागा पीछे करेंगे, ये देखिए, इस फंदे को छोड़ करके इसके नीचे वाले होल से ले लेंगे, तो पूरी रो बना लेंगे, दोनों तरफ से एक जैसा ही आएगा। ये देखिए, उस फंदे को छोड़ करके नीचे वाले होल में से हमको धागा खींच लेना है। ये देखिए, ये देखिए, तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, दो वो वाली रो भी बना दी हमने, बैक वाली। अब आ गए फ्रंट साइड में, जो कि हमारा बैक साइड का होगा, बाद में आपको पता चल जाएगा। अब हम ये जो हमने बनाया है एक उल्टा एक सीधा, इसको हम 10 नंबर के नीडल से बनाएंगे, ठीक है। 10 नंबर के नीडल को ले लेते हैं, यहाँ से 11 नंबर के नीडल हटा देंगे, पहले ही रो से हटा देंगे जब हमने एक सीधा एक उल्टा किया था। तो यहाँ पे पहला फंदा ऐसे ही निकालेंगे, दूसरे फंदे को, दूसरा फंदा हमारा उल्टा है, उल्टा बना लेंगे, बैक में भी और फ्रंट में भी, दोनों साइड हमको एक जैसा ही करना है। इसमें भी हमको यही वही करना है, ये फंदा ना बना करके इसके नीचे वाले होल से फंदा बना लेना है। धागा आगे करेंगे, उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये फंदा ना ले करके इसके नीचे वाले होल से बना लेंगे, बिल्कुल उसी के नीचे वाले से बनाना है। यहाँ पे देखिए, एकदम ये भी आ रहा है, एक एक होल दूसरा होल भी आ रहा है, लेकिन हमको पहले होल से ही ले लेना है, ठीक है। ये देखिए, धागा आगे करेंगे, उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फंदा बना लेंगे, धागा आगे, उल्टा, धागा पीछे, फंदा बना लेंगे। तो इसी तरह से दोनों साइड से हमको सीधा वाला फंदा ना लेकर के उसके नीचे वाले होल से ले लेना है, ठीक है, दोनों साइड से, इस साइड से भी, उस साइड से भी। तो इसको हम, ये देखिए, आपको बता देती हूँ मैं कितना बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 हैं, ठीक है, 18 लाइनें लगभग बना लेनी है, 18 लाइनें बना लेंगे। इसी तरह से आ जाएगा दोनों साइड से, बहुत ही सॉफ्ट रहता है, खींचने वाला रहता है, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं इसको 18 रो। तो देखिए, बना दिया है यहाँ तक, ठीक है, जो ये हमने बनाए हैं, ये मैंने 9 बताए थे आपको, देख लीजिए, ये छोटा नहीं गिनना है, ये छोटे छोटे नहीं गिनने हैं, ये बड़े वाले गिनने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए हैं। 9 होने के बाद हम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जो रॉन्ग साइड है इसको राइट साइड में करेंगे हम, ठीक है। तो इस साइड आ जाते हैं, देखिए जैसे हम फंदे देते हैं ना, ये धागा इस साइड होना चाहिए, और इधर ये रो पूरी उल्टी ही दे देंगे, ठीक है, इस रो को इस तरह से पूरी की पूरी उल्टी ही बना लेंगे। तो ये रो ऐसी बना लेते हैं, तो ये देखिए एक रो कंप्लीट हो गई है फिर, ठीक है। अब क्या करना है हमको, हमारी ये वाली रो बन रही, फर्स्ट जो उल्टी दिख रही है आपको, ये रो बन रही है, इसमें फंदे घटाने हैं। कैसे घटाएंगे, पहले सबसे पहले एक फंदा और ये दूसरा फंदा, ठीक है, इसी तरह से 13 फंदे बना लेते हैं, 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। देखिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 हो गए। इस साइड भी हमको 13 छोड़ने हैं। अभी 2 का 1 करेंगे, कितनी बार करना है, 2 का 1 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 और ये 5 और ये 6, इधर से देखना है अभी कितने रह गए, 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10, 10 बार हमको 2 का 1 2 का 1 करना है, ठीक है, 10 फंदे घटा लेने हैं। तो ये 10 फंदे घट गए हैं, अब ये किनारे पे 13 फंदे बना लेंगे सिंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8
नौ दस 11, 12 और ये 13, ठीक है, 13 फंदे हो गए। अब इधर से बैक जो रो है उसको हम पूरी की पूरी उल्टी बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से पूरी रो उल्टी बना लेनी है। तो कंप्लीट कर लेते हैं इस रो को। तो देखिए बैक रो कंप्लीट कर लिए, फिर आ गए फ्रंट साइड में। अब हमको 16 फंदे बना लेने हैं, 16 फंदे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 ये हो गए। इधर से भी 16 गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब बीच में बच रहे 4 फंदे, 4 फंदों को 2 का 1, 2 का 1 कर लेंगे, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1, ठीक है। अब ये जो 16 फंदे इनको सिंपल बना लेते हैं उल्टा उल्टा, ये देखिए। अब हमने फंदे घटा लिए, कोई फंदे नहीं घटाने, टोटल फंदे कितने रह गए हमारे यहाँ पे, 34। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ठीक है, 34 फंदे रह गए। अब इसमें कितने रो बना लेने हैं, यहाँ पे हमारे 2 लाइनें बन चुकी हैं, ठीक है, 2 लाइनें बन चुकी हैं। तो ये देखिए 1 और 2 लाइनें बन चुकी हैं। अब कितनी लाइनें बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइनें, मतलब 16 रो बनानी है आपको, ठीक है, 8 लाइनें और बना लेंगे, टोटल हम 10 लाइनें बना लेंगे, 2 ये हो गए, 8 और हो गए। तो इनको बना लेते हैं, अब कोई घटाना नहीं है, सीधे सीधे दोनों तरफ उल्टा उल्टा बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 10 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 लाइनें कंप्लीट कर ली, ये सीधी साइड है। अब हम उल्टी साइड आ जाएंगे और फंदे बंद कर लेंगे, ठीक है, फंदे बंद कर लेंगे ऐसे, ये पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ले लेंगे, बनाएंगे पीछे वाले फंदे को ऐसे ले लेंगे, 2 का 1 करके भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे इसमें फंदे बंद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फंदे बंद कर लेते हैं सारे। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया है, सारे फंदे बंद कर लिए। अब क्या करेंगे, जो फंदा बचा है उसको थोड़ा सा बड़ा बना करके यहाँ से हम इस धागे को ले लेंगे, ऐसे नोट लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉक्स कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए अब सिल लेते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से सिल लेंगे। ये जो धागा हमने छोड़ा था अभी नोट लगा करके, इसको यहाँ से यहाँ सिल लेंगे, और जो नीचे से धागा बचा हुआ था इसको ये सिल लेंगे, ठीक है। तो चलिए सिल के दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए ये सिल चुका है, बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का। ये इसका सोल है और ये है सूज हमारा, और इसमें अगर आप डोरी लगाना चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ऊन वाले में हमेशा होल अपने आप ही बन जाते हैं। इसमें थोड़ा सा पतली डोरी बनाइए, इस तरह से नीडल की मदद से ऐसे होल कर लीजिए, इसमें से आपका आराम से ऐसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस में ऐसे होल बना लीजिए और डोरी निकल जाएगी, अगर आपको डोरी बनानी है तो, क्योंकि बच्चे के पैर से अक्सर सूज निकल जाते हैं
तो अब क्या बनाना है हमको इस तरह का? अगर आपको फ्लावर बनाना है तो उसका जो लिंक है वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, कमेंट में भी पिन किया हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। तो चलिए इसमें फ्लावर लगा लेते हैं। तो देखिए दूसरा सॉक्स भी हमने तैयार कर लिया है। तो कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट में। अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।